हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो गाइस न्यू 0.57 क्लोज बीटा हम लोग को मिल चुका है और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या नई चीजें इसमें आने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं नई स्किन्स की तरफ। तो इस बार स्टंबल गाइस वालों ने कोलैब किया है स्मर्फ्स के साथ, तो सारी स्किन्स उससे रिलेटेड ही रहेंगी। पहली है स्केरी गैर गोयल, और ये तो बिल्कुल मस्कुलर बॉडी बिल्डर वाला एक वैम्पायर लग रहा है, बिल्कुल ही खतरनाक इसकी बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट है शुगर स्कल बुल, और ये शुगर जैसा क्यों लिखा है भाई, क्योंकि ये कलरफुल लिखा है इसलिए इसमें शुगर लिखा है, क्योंकि ये शुगरी है, ये फूल पत्ती लगाया है थोड़ा सा। फिर आता है अपना स्प्लरगॉथ, जो कि एक आई है गाइस, और उड़ती हुई आई, समझ रहे हो ना आप कितनी डेंजरस लगती है। गारा की है ये आई, तो ये भी अच्छी है, ये मुझे देखनी है क्या है कैसे बढ़ेगी। फिर पिंकी आई है, जिसमें इसकी टी शर्ट पे पिंकी की स्पेलिंग अलग है और नीचे अलग है, और ये बिल्कुल वैसी लग रही है जो अपन काटते हैं ना, वो क्या है जो, अरे यार वो जो मिस्टर मीट, हाँ उसकी लेडी वर्जन। फिर है अपनी सीथुलुगल, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे गाइस, सीथुलु की कथुलु की थुलुगल, ये जो भी है ये कोई जानवर ही है। उसके बाद है स्मर्फेट विच, अब स्मर्फ्स की स्किन आएंगी सारी, ठीक है। तो ये पहली हमारी विच वाली, जो कि स्पेशल है क्योंकि ये उड़ती है। फिर चलते हैं हमारे मिथिक की तरफ। तो पहला है हमारा ड्रैकुला पापा स्मर्फ, जो कि हमारा डार्क वाला वर्जन है। उसके बाद ये जो एंजल वाला वर्जन है वो ये है पापा स्मर्फ, ये अपने गुड साइड वाला है। इसके बाद है हमारी स्टॉर्म स्मर्फ, जो कि फीमेल वर्जन है, और ये क्या है भाई, पत्ती वाला बैग और ऊपर से पानी गिर रहा है कि हेलीकॉप्टर है, समझ नहीं आ रहा मुझे, पंखा ही लग रहा है लेकिन ऊपर से पत्तियाँ गिर रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेजेंड्री की तरफ। तो लेजेंड्री में आता है पहला हमारा प्लेग डॉक्टर, और ये मैंने कहीं और भी देखा है, ये कौवे को मैंने कहीं तो देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद है हमारा फ्रैंकेनस्टाइन ब्राइड, ठीक है। तो ये ब्राइड है फ्रैंकेनस्टाइन को तो सब जानते ही होंगे। तो ये सिली हुई है, पीछे दो कील ठुकी पड़ी है और साइड में एक चमचा है, ठीक है। और ये स्किन तो यार इससे पहले भी आई थी लग रहा है, क्रीपी जॉम्बी, उसी को मेकअप करा के ले आया क्या इससे पिछला जो मैंने देखा था, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ लग रहा है। इसकी टी शर्ट पीछे से लेकिन बहुत अच्छी फाड़ी है, आई लाइक दैट। नेक्स्ट है क्यूट ग्रिम रीपर, तो ये क्यूट रीपर बोल सकते हो आप, क्योंकि ये लेडी वर्जन ही लग रहा है, ऑब्वियस ही बात है, पिंक एक्स है। तो नेक्स्ट हमारा जिंक्स है, और जिंक्स फैल चुका है, पूरा लाल हो चुका है, ये ऊपर का जो इसका स्किन है वो भी मेरे को कहीं ना कहीं देखा ही लग रहा है, पता नहीं। और ये स्किन तो हमारे पुराने स्टंबल गाइस प्लेयर्स को याद ही होगी, तो ये उसका कुछ ऑड वाला वर्जन है, ये सिक बॉय है क्योंकि ये बीमार हो चुका है, मुझे लग रहा है पेंट स्प्लैश के, पेंट स्प्लैश नहीं बॉड बैश के, पेंट में या फिर एसिड में फाइनली कोई गिर ही गया है। फिर है हमारी ब्लॉसम हेलोवीन स्मर्फ, अब सबका नाम ब्लॉसम है क्या भाई, और ये ऊपर से वाइट नीचे से ब्लू क्यों है, कुछ अलग ही सिली हुई है ये। फिर हमारा ग्राउची स्मर्फ है, क्योंकि ये थोड़ा सा भाई गुस्से में रहता है क्योंकि इसका बच्चा इसको ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। फिर लिली स्मर्फ है, ये मुझे छोटी बच्ची लग रही है, उस टाइप की स्मर्फ लग रही है क्योंकि इसकी चार चोटी निकली हुई है। जोकी स्मर्फ है, जो कि बहुत ही खुश रहता है क्योंकि भाई फ्री में गिफ्ट मिला है लेकिन अंदर बम डाला है ये इसको पता भी नहीं है। ब्रेनी स्मर्फ है, ये अलग अलग इन्वेंशन करता होगा, मशरूम लगाया और गाड़ी इतनी खतरनाक बनाई है इसने, जंगल रोल का ऑब्स्टिकल चुरा के। फिर स्मर्फेट है, जो कि एक लेडी स्मर्फ है, बस तो इतना ही है लगता है, लेकिन अभी और है, एपिक और रेयर में भी शायद स्मर्फी थे मैंने देखे थे, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखते हैं, पहला तो मैंने ग्रिम रीपर है, तो ये मेल होने के कारण शायद नीचे कर दिया इसको, क्यूट नहीं है ये, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम लोग अपना, ये कुछ अलग ही लग रहा है भाई, नॉस्फेरातु, ये तो वो लग रहा है अपना हैरी पॉटर का, कौन था वो बिना नाक वाला, वोल्डेमॉर्ट। फिर स्मर्फेट शुगर स्कल, शुगर स्कल हमने शायद लास्ट में भी देखा था, स्पेशल में या मिथिक में। फिर है विलो स्मर्फ, जो कि लकड़ी को शायद विलो बोलते हैं ना, तो उसी का लिखा है। फिर चलते हैं गाइस हम लोग रेयर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला है शुगर स्कल मेरियाकी, तो ये वो गाने बजाने वाला लगता है मुझे, हाँ देखा वही है, ये लगी रहा है शक्ल सी लग रहा है भाई तू, ठीक है, गिटार है इसके पास। फिर स्मर्फ है, फाइनली एक नॉर्मल स्मर्फ। फिर स्केलेटन हैंडी स्मर्फ, अब ये शायद हैंडीमैन टाइप का है क्योंकि इसके कान पे पेंसिल लगी हुई है। फिर एक और ब्लॉसम स्मर्फ, जो कि अभी तक मुझे समझ नहीं आई। फिर वापस से हैंडी स्मर्फ, और इसने क्या बनाया, इसने उड़ता हुआ जेट पैक बनाया और ऊपर टोपी भी लगाई है उड़ने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस इमोट्स की तरफ। इमोट में है शायद एक स्पेशल इमोट आने वाला है, लाइटनिंग वाला, वो मैं बताऊंगा बाद में। फिर ये दो देख लो आप, ये तो अपने नॉर्मल इमोट्स है जो कोई यूज ही नहीं करता। फिर यहाँ पे भी है दो स्मर्फरस पाओ और स्मर्फेट। फिर यहाँ पे भी तीन है बैट्स एंड मून, और ये एक बू वाला है और ये दूसरा भी बू ही लग रहा है, ठीक है। फिर हमारे एनिमेशंस गाइस, पहला है हार्ट स्टेक, और ये बहुत अच्छा है, ये देखो बिल्कुल दिल पे मारता है पेंसिल को लकड़ी की। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये
कम कालर बन जाता है चिमकांडी वाला। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया, और भी हैं लेकिन अभी वो आए नहीं है गेम में। फिर कुछ और चीजें जैसे कि ये बीस्ट लाइटिंग जो मैंने आपको बताई थी, इसमें लाइट गिरेगी सामने वाले के ऊपर और वो स्टन हो जाएगा, ये स्पेशल इमोट रहेगा। फिर हमारा स्मर्फ्स का एक फुटस्टेप आएगा, वो भी है, एक और फुटस्टेप है मशरूम वाला, और एक ये है लाला 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 वाला, मतलब लाला लाला करते हुए चलो। फिर ये हमने इसका मेल वर्जन देखा था जो गाना गाता है, ये उसकी फीमेल वर्जन है। फिर ये स्किन बहुत अच्छी लग रही है लेकिन ये पता नहीं क्यों अभी गेम में आई नहीं है। फिर ये हमारे कुछ एनिमेशंस गाइस जो कि आने वाले, और बहुत ही अच्छे वाले एनिमेशंस आने वाले हैं। फिर हमारा स्मर्फ्स का जो डायनेमिक बैकग्राउंड आने वाला है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद हमारा न्यू इवेंट आने वाला है, पहले तो हेलोवीन का इवेंट, इसका ये बैकग्राउंड बटन है, और फिर ये अपना स्मर्फ्स का जो इवेंट आएगा ये उसकी बैकग्राउंड इमेज है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टूर्नामेंट आएगा सुपर वाटर पार्क का, जो कि बहुत ही मस्त मैप है, ये उसका होने वाला है। फिर आएगा हमारा न्यू टूर्नामेंट एक्स का सिस्टम जो कि टिकट सिस्टम। तो टिकट सिस्टम ऐसा है कि दो टाइप की टिकट्स रहेंगी, और भी रहेंगी रेयरिटी के हिसाब से, जैसे कि रेयर लेजेंडरी, रेयर ब्लू वाली हो गई, लेजेंडरी येलो वाली हो गई। तो ये आपको टूर्नामेंट में घुसने में मदद करेगी, आप जेंट्स के अलावा इनको लगा सकते हो, और ये आपको मिलेंगी स्टम्बल पास में, इवेंट्स में, वीकली मिशंस में, और बहुत सारी जगह पे, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास दो फ्री व्हील है तो इनको भी खोल लेते हैं। पहली हमारी फुटस्टेप्स की व्हील, तो इसमें डिफॉल्ट वाली क्यों पता नहीं इतनी सारे दिए, फालतू है, ये नहीं देनी थी, इससे वेस्ट होगा हमारा बहुत सारा। लेकिन जो अच्छी चीज़ खुलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि पहले ही खुल चुकी है हमारी स्मर्फ मशरूम की फुटस्टेप, बू वाला इमोट आ गया। फुटस्टेप्स के अलावा तो कुछ खास था भी नहीं उसमें। अब खुलते गाइस स्किन मेन है तो ये खुलते हैं, तो इसमें तो अच्छी अच्छी चीजें ही खुलेंगी। चलते हैं भाई पहली स्पिन। अरे ये क्या है, मिस्टर स्टिम्बल यहाँ भी भाई, मतलब इससे पीछा नहीं छूट रहा यार, ये मिस्टर स्टम्बल ही कैसे दे सकते हैं पहली बार में। नेक्स्ट है हमारी स्मर्फेट जो कि लेडी है, भाई मेल दे दो भाई, मेल पहनूंगा मैं, मेल वाली स्किन दो, नहीं यार फिर से स्मर्फेट शुगर स्कल। ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइस, इस बार भाई इस बार भी नहीं 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 चलो मेल दे दिया, लेकिन भाई ग्राउची थोड़ा खुश, मतलब इंजॉय करना है भाई, थोड़ी खुश वाली। नहीं मिस्टर स्टम्बल नहीं, मिल गई स्प्लर्गॉथ, मिल चुके गाइस। तो ये वही आई वाली स्किन है और ये मैं पक्का पहन के घूमने वाला हूँ, अगर इससे अच्छी मेरी नहीं खुलती तो। वैसे इससे अच्छी कुछ है भी नहीं शायद इस बार में। फ्रैंकस्टाइन की ब्राइड मिल चुकी है, आगे बढ़ते हैं, ये मिलेगा हमें ग्रिम रीपर, लेकिन मैं तो आई वाली पहनूंगा, और देखते हैं स्पेशल में कुछ खुलता है तो। हाँ ये नहीं खुल गया, ठीक है पिंकी खुल चुकी है रोलर स्केट वाली, लेकिन मुझे इसके स्केट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बाय द वे मुझे भी चलाना आता है ये। नेक्स्ट है हमारा सिक बॉय गाइस, क्योंकि अच्छा ये बाद में काम आएगा, वैसे बीटा में क्या ही काम आएगा। फिर हमारा हैंडी मैनी वाला है ना यहाँ, स्केलेटन हैंडी स्मर्फ, चलो भाई आई पहनते हैं। अब हमारा लेटेस्ट एलिमिनेशन मैप द अदर साइड, जो कि मुझे अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट एलिमिनेशन मैप लगाया गाइस, इतना खतरनाक है ना, मतलब आधे लोग तो ये देख के ना खेलना चालू कर देंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ, इतना मस्त बनाया है ये, बहुत मज़ेदार है यार, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्यों इसमें बॉट मेरे से अच्छा खेलते यार, इसमें आपको देखो 5 lives मिलती है, 5 बार आप आउट हुए तो आपका खेल खत्म। ठीक है अब शायद से लाइफ बढ़ाने का है क्या मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन देखते हैं हम लोग कितना अच्छे से बच पाते हैं। अब ये देखो जैसे अभी मैं लाल वाले के अंदर घुस गया था, वहाँ पे आप आउट हो, आप किसी भी कार पे टच कर दे तो सामने से तो आउट हो, ऊपर से मुझे पक्का नहीं मालूम। ठीक है देखते हैं, और ये नीचे से बीच बीच में स्मोक निकलता है तो इससे आप ऊपर जंप ले सकते हो हाई। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये देखो अब क्या है, गाड़ियाँ हिलने लगी थोड़ी देर बाद, तो भाई सारी गाड़ियाँ हिलने लग जाती है, और इसमें सारे ऑब्स्टेकल लगाई, देखो अभी ब्लॉक डैश का आया था, अब ओवर एंड अंडर का आया था, और ऐसे ही देखना अभी बहुत सारे आएंगे, मज़ा आएगा आपको, धीरे धीरे देखते जाओ बस। लेकिन ये बॉट ही बाहर नहीं होते यार, आप देखते जाना अभी कैसे, ये लोग बाहर ही नहीं होंगे, मैं बाहर हो जाऊंगा लेकिन ये नहीं होंगे, इतना मुश्किल हो जाता है इसका। तो मैं समझ गया हूँ कि ये जो सामने लाल कलर का है ना, इस पर टच नहीं होना वरना डायरेक्ट आउट है। अच्छा यहाँ पर ट्रैम्पोलिन भी एक, देखो ये बॉट को पहले से मालूम था, और ये स्मर्फ पेन क्या आया है, इस लाल पे नहीं टकराना है। लेकिन यहाँ पर देखो ब्लॉक डैश के एक्सट्रीम ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, तो मैंने बोला यार कुर्बानी देते हैं, और फिर गया। लो सिर्फ 2 hearts बचे गाइस, सिर्फ 12 बॉट एलिमिनेट हुए, भाई क्या चल रहा है यार, कितना मुश्किल है। और ये क्रॉस भी अपन ने देखा ही है कहीं पे, पता नहीं किस में देखा है, वैसे मिस्टर बीस्ट वेरा उसमें भी है। ठीक है यहाँ से कूदना था, पिवट पुश वाला आ चुका है, पिवट पुश हम्बल स्टम्बल कुछ भी बोल सकते हो, और आगे आगे आगे। ठीक है अबे हम्बल स्टम्बल भी नहीं है, तो स्पिन गो राउंड है, मैं गलत ही बोल रहा हूँ, ये देखो गिर गया, बस एक हार्ट बचा है, पता नहीं कैसे बचाऊंगा मैं इसको यार, ऊपर से ऊपर कूद भी नहीं सकते, ये पीछे ले जाता है, ये पूरा पीछे ले जाता है, इसके ऊपर से लेकिन जा सकते हैं गाइस, कर सकता हूँ मैं, 5 bolts बचे, नहीं
गया यार। एक बार फिर से खेलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी। ये साइड में जगह दिख रही है आपको, यहाँ से पता क्या आते हैं, यहाँ से बोर्ड बैश के कीड़े आते हैं गाइस, इतना खतरनाक बना होना। और ये डंडे भी मतलब मैंने कहीं और गेम में देखे, लेकिन वो रहन देते हैं, नहीं बोलते हैं। और ये पाइप देख लो, ये पाइप देख लो आप भाई, कैसे निकलने का है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से कार आ गई। ये बड़ी वाली कार यार सबसे डेंजरस है, और ये छोटी वाली तो उससे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसके सामने टकरा गए तो गाइस एक हार्ट वैसे चल जाएगा। भाई बॉट मेरे से अच्छा खेल रहा है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ बिल्कुल नूब्स की तरह। कार आ गई, ओवर एंड अंडर वाला ऑब्स्टेकल मुझे अच्छा लगता है भाई, ऊपर चल जाता है, नीचे खड़े रहो। ये आ गए दोनों बड़े जानवर, चलो यहाँ आ गए। ठीक है, ब्लॉक डैश आ गया, निकल गया। फिर से आ गई ये कार, ये साइड से मुर्गे भी आ रहे हैं। अच्छा टर्की स्पेशल था क्या, ये मुर्गे क्यों आ रहे हैं, इससे भी टकराते हैं क्या यार, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया ट्रैम्पोलिन। फिर से अभी थोड़ा रिपीटेड आ रहा है, लेकिन आप देखते जाना, बहुत ही अलग अलग चीज़ें आती गाइस इसमें, बहुत अलग। मैंने तो बाइक भी देखी इनकी एक वीडियो में, ये कार जो है ना ये बाइक बन जाती है, ये शायद लेटर वाले फेज में होता होगा। ये देखो क्या आया, वो ये तो शार्क भाई, शार्क बोला और शार्क के पानी में कूद गया मैं, इसमें नहीं कूदना था। लेकिन इससे निकले किसे भाई, तो पूरा बॉम्बार्डमेंट है। और शार्क को यार कितने अच्छे से देखो टब में ले जा रहे गाइस, क्योंकि भाई तैर के नहीं जा सकता ना यार बिना पानी के, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। और ये आ गई हमारी एसिड गाइस, हमारे बॉट बैश की नहीं, लेजर ट्रेजर की एसिड है ये। तो देखो हर ऑब्स्टेकल मतलब हर मैप को ना इनने मिक्स किया गाइस। ये डब्बे भी किसी में शायद देखे ही है मैंने, किसमें देखे हैं भाई, ऐसा डिलीवरी वाला कुछ आया था क्या, उसका तो नहीं है बारबी ड्रीम डैश का, नहीं उसका तो नहीं है, पता नहीं लेकिन कहीं देखा है मैंने। ठीक है और आगे, ठीक है और मैं भाई अच्छा सर्वाइव कर गया हूँ, सिर्फ दो हार्ट बचे गाइस और तीन बॉट बचे हैं बाहर होने के, थोड़ा और सर्वाइव कर लेते हम लोग। पाइप आ गए, पाइप से निकलने की ट्रिक समझ गया भाई मैं, इसमें हम लोग डाइव मार देंगे ना ऐसे निकल जाएंगे। चलो चलो एक बॉट और, एक बॉट और, एक और डाइव और जीत गए, फाइनली जीत गया भाई, बॉट से जीतना मुश्किल हो गया है अब तो। ये लेवल आने वाला गाइस, वेट करना, बहुत अच्छा लेवल है, खेलना। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी स्टंबल गाइस की वीडियोस आते रहेंगी। और मेरी पिछली वीडियो देखनी है स्टंबल गाइस की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।